हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में। कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, हम पानी जैसे पतले दूध से एकदम से गाढ़ा परफेक्ट दही जमाएंगे। और इस दही को मैंने मिट्टी के बर्तन में साथ की साथ ये जो डिब्बियां होती हैं जैसे मार्केट में मिलती हैं, मैंने उस तरीके से जमाया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दही जमा है। हम उल्टा कर रहे हैं ना, तब भी बर्तन में से नहीं निकल रहा है। मैं अभी आपको निकाल करके भी दिखाती हूँ। देखिए, हमारा दही एकदम से ठोस गाढ़ा एकदम आइसक्रीम की तरह से है। इसी ट्रिक से अक्सर हलवाई और जो पैकेट वाले दही आते हैं वो इसी तरीके से जमे हुए होते हैं। इस तरीके से जमा हुआ दही खाने में भी काफी टेस्टी लगता है। तो चलिए एकदम से गाढ़ा परफेक्ट दही जमाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में दूध लेंगे। यहाँ पर मैंने करीब 1.5 किलो दूध लिया है। इसको हम धीमी आंच पर बॉईल करेंगे। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का या फिर डेयरी वाला, गाढ़ा पतला कैसा भी हो। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। दूध हमारा कैसा भी हो, हमें एक ट्रिक का ध्यान रखना है जिससे हमारा दही एकदम से परफेक्ट जमेगा मार्केट जैसा। कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, एकदम से मीठा दही जमेगा। जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, हम तैयारी कर लेते हैं आगे की। अक्सर हम दही मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं और हलवाई भी जमाते हैं। मैं भी घर में छोटे बड़े कई सारे मैंने बर्तन कर रखे हैं। अब हम एक चम्मच दही लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक चम्मच इन सभी बर्तनों में डाल देते हैं और ग्रीस कर देते हैं चारों तरफ, जो मिट्टी के बर्तन में मैं घर में जमाती हूँ। लेकिन आज मैं प्लास्टिक की डिब्बियों में भी जमाऊंगी, जैसे मार्केट में डिब्बियाँ मिलती है ना, उस तरीके से फीलिंग आएगी और बिल्कुल परफेक्ट दही जमेगा। तो आप चाहें तो स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट दही जमेगा, एकदम से मीठा गाढ़ा। अब देखिए, दूध को चलाते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं, अच्छा सा उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं अच्छा सा उबाल आ जाए उसके बाद में हम इस तरीके से 2 चम्मच बड़े करीब लेंगे हम मिल्क पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल करके इसको घोल लेंगे। घोलते समय लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अच्छी तरीके से घुल जाए तो हम खोलते हुए दूध में हम इसको मिला देंगे और इसको एक बार और अच्छी तरीके से चला देंगे, इसमें भी गुठली ना पड़े। इससे दूध ना बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और इस छोटी सी ट्रिक से हमारा कितना भी पतला दूध क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा गाढ़ा परफेक्ट दही, मीठा दही जम करके तैयार होता है। और सबसे बड़ी खास बात कि आप इस वाले दही को उपवास में भी खा सकते हैं। अब दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, इसको कर देते हैं फ्लेम को बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। अब देखिए, हमारा दूध ठंडा हो गया है, बस गुनगुना सा होना चाहिए, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें बचा हुआ दही जो 1.5 चम्मच होगा, बस वो लेकर के हम इसमें मिला देंगे। गर्मी के सीजन में 1-2 छोटी चम्मच ही पर्याप्त दही रहता है। अगर सर्दी का मौसम हो तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम जिन बर्तनों में जमाना है उनमें हम डाल देंगे। मिट्टी के बर्तन में दही जमाने से बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी के बर्तन में जमा सकते हैं, हलवाई वगैरह भी जमाते हैं। और देखिए, जो पैकिंग का पैक करा हुआ जो ब्रांडेड दही आता है वो इस तरीके से डिब्बियों में होता है, तो मैं उसी तरीके से जमा रही हूँ कि एकदम से बिल्कुल परफेक्ट उसी प्रकार का जमेगा और कुछ फीलिंग भी कुछ इस तरीके से आएगी जैसे मार्केट के दहियों में होती है। और इस तरीके से सभी को भरने के बाद में हम ढक्कन से ढक देंगे। और इस तरीके से कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, और सर्दियों का समय है तो आप चाहें तो मोटा ऊनी कपड़ा भी ले सकते हैं, और इस तरीके से रख करके हमें इसको ढक देंगे और लगभग 4-5 घंटे में परफेक्ट दही जम जाता है। तो चलिए 4-5 घंटे के लिए हम ढक देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। अब देखिए, लगभग 5 घंटे करीब हो गए हैं, दही को चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा दही भी अच्छे से जम चुका है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो जमे हुए दही को 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे भी एकदम से परफेक्ट जम जाता है। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया दही जमा है। देखिए, आप देख सकते हैं एकदम से ठोस गाढ़ा दही जमा है। आप इस तरीके से भी उल्टा करेंगे ना, बिल्कुल नहीं निकलेगा, और बिल्कुल उसी तरीके से गाढ़ा है जैसे मार्केट के ब्रांडेड दही आते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। आप इस तरीके से बने हुए दही को उपवास में भी खा सकते हैं। आप चाहें तो जो रेसिपी कभी कभी गाढ़े दही की बनती है तो आप इस तरीके से भी जमा करके बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हमारा दही जमा है, आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की डिब्बियों में भी और मिट्टी के बर्तन में भी। आप चाहें तो इस तरीके से स्टील के बर्तन में भी जमा सकते हैं। मैं इसको भी उल्टा करके दिखाती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट, कितना गाढ़ा दही जमा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल करके भी दिखाती हूँ। वाओ, देखिए कितना गाढ़ा, कितना बढ़िया दही जमा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, है ना बिल्कुल गाढ़ा आइसक्रीम की तरह से एकदम से ठोस दही। आप इस तरीके से जमे हुए दही से कोई भी रेसिपी बना सकते हैं और उपवास में भी खा सकते हैं।
तो देखिए इस तरीके से पानी जैसे पतले दूध से भी गाढ़ा सख्त दही जमा सकते हैं। और इस तरीके से आप जमाइए, रेसिपी बनाइए, उपवास में खाइए, आप सैरोस में खाइए और इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद।